आप देख रहे हैं राखी जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रदीप बना। खबर है विस्तार से। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन पहुंचे मच्छीपुरा, मेगा हाईवे में जलभराव का लिया जायजा। बावनवास, आज 4 अगस्त बुधवार को सुबह 9 बजे जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन बाटौदा के समीप मच्छीपुरा गांव में पहुंचकर मेगा हाईवे पर जलभराव का जायजा लिया, जहां पर हाईवे से ऊपर से 2 फीट ऊपर होकर पानी निकल रहा था। इस बात को लेकर लोगों से संवाद भी किया और निचले क्षेत्र में रहने वाले लोगों से जिला कलेक्टर ने सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया, साथ ही पानी में नहीं उतरने को कहा। यह जानकारी सुरेश गुप्ता, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सवाई माधोपुर ने दी। एक बार देख लो, नहीं गुड कंडीशन दिखा देते हैं पूरी तरह से, चल के एक आदमी जाओ बाकी फालतू में। बारिश की वजह से काफी कुछ बाढ़ वगैरह की स्थिति है, आप सुबह से अलर्ट मोड पे निकले हुए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या देखा? और देखिए, मैंने सूरवाल डैम और इसकी जो वेस्ट वेयर है वो इलाका देखा है। सूरवाल गांव में पानी भरा हुआ है, लेकिन उसका जो निकास है वो नदी के माध्यम से हो रहा है, उसका जो नाला है उसके माध्यम से हो रहा है। कुछ एरिया जो लो लाइंग एरिया है उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसके लिए उपाय तलाश रहे हैं कि किस तरह से पानी बाहर निकल सकता है। कोशिश करेंगे पूरी इस पानी को निकालने की। बाकी अभी कोई ऐसा जान का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, खेतों में पानी भरा हुआ है, अभी बारिश रुकी हुई है, ये अच्छी बात है, तो उससे धीरे धीरे पानी निकल जाएगा। अभी स्थिति ऐसी नियंत्रण में है, कोई ऐसी विशेष परेशान होने वाली स्थिति नहीं है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? लोगों से अपील करूंगा कि वो अपने घरों पर रहें, फालतू नहीं निकलें। जो रपट और नाले जो तेज बह रहे हैं सड़क पर, जहाँ ज्यादा पानी बह रहा है, तो अनावश्यक नहीं निकले और अपने परिवार के साथ में रहें, घर पे रहें और इंतजार करें। अगर बारिश रुक जाएगी तो वैसे ही पानी निकल जाएगा। और मैं समझता हूं कि पूरे सवाई माधोपुर जिले में बहुत अच्छी बारिश हुई है और इससे फायदा बहुत ज्यादा होगा, नुकसान की अभी कोई ऐसी विशेष ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमारे जो किसान है, काश्तकार है, मैंने उनसे बात की है, धनौली गाँव में मच्छीपुरा के सड़क के पास भी मैंने वहां देखा है, तो लोग खुश हैं, बारिश से खुश हैं।